नमस्कार। करोड़पति को भी कंगाल बना देता है यह पौधा। मित्रों, अगर आपके घर के आसपास इमली का पेड़ लगा हुआ है तो मान के चलिए आप हमेशा जो है परेशान रहेंगे, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। इमली का पेड़ वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। अगर आपने अपने घर में या बाग बगीचे में इसको लगा करके रखा है तो मान के चलिए नकारात्मक ऊर्जा इमली का पेड़ पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह हमेशा डामाडोल रहती है। इसके अलावा आपके घर में आपस में सभी के विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। इसके अलावा इमली के और भी कई तरीके के दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। अगर इमली का पौधा आपके आंगन में या आसपास है तो रक्त प्रवाह धीमा हो सकता है, अवरुद्ध हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन की बहुत कमी पाई जाती है। इमली का पेड़ जहाँ पे है, अगर उसके नीचे आप सोते हैं तो मान के चलिए ऑक्सीजन लेवल घटता है। वास्तु में तो इसको इतना अशुभ इस पेड़ को माना गया है कि मान्यता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत उल्टा लटकते हैं। तो इसलिए अगर आपने इमली का पेड़ लगा रखा है तो इमली का पेड़ हटाने का प्रयास करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इमली का जो पेड़ है वह बुरी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वैसे इमली के कुछ फायदे भी होते हैं कि यदि इमली का आप सेवन करते हैं, इमली की खटाई आप खाते हैं, तो यौन शक्ति आपकी मजबूत होती है। इसके अलावा इमली का पौधा यदि आपके आसपास है तो आर्थिक स्थिति आपकी हमेशा डामाडोल रहेगी। किसी न किसी प्रकार से या तो घर में कलह बना रहेगा या पैसों की तंगी हमेशा बनी रहेगी। दूसरी तरफ यदि आप इमली की खटाई खाते हैं तो मान के चलिए आपके अंदर यदि आयरन की कमी है तो आयरन की कमी को यह बड़ी जल्दी पूरी कर देता है। यानी कि पौधा लगाना तो अशुभ है लेकिन जो इसकी खटाई है वह कई मामलों में फ़ायदेमंद साबित होती है, तो इसकी खटाई का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा यह भी देखा गया है कि यदि आप इमली का पानी खाली पेट सेवन करते हैं तो मान के चलिए अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो वह दूर हो जाती है। कल मिलेंगे, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।